एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने पुणे वक्फ बोर्ड जमीनी घोटाला मामले की जांच अपने अंडर ले ली है और आपको बता दें कि ईडी ने आज इस मामले में कई जगह पर छापेमारी की है। वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के अंडर आता है। बताया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी 7 जगहों पर चल रही है। ये कार्रवाई उस वक्त की जा रही है जब नवाब मलिक क्रूज ड्रग्स केस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई भाजपा नेताओं पर हमलावर हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मानहानि और झूठे आरोपों के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। इसके साथ ही मानसिक प्रताड़ना वित्तीय नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग भी की। उधर मलिक ने कहा कि फडणवीस के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करेंगे अगर वो हमसे माफी नहीं मांगते हैं तो।